हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है वो मैं डेटर लिस्ट पे बना रहा हूँ। डेटर लिस्ट हम जब अपने सीनियर्स को देते हैं या एक रिपोर्ट बना के देते हैं तो हम लोग दो तरीके से दे सकते हैं डेटर लिस्ट को। एक तो होता है मेन डेटर लिस्ट जो हम दे सकते हैं हमारी सीधी बैलेंस शीट से, बैलेंस शीट में जो करंट असेट्स होते हैं, और दूसरा हम दे सकते हैं जो हमारा अकाउंट्स रिसिवेबल होता है उसमें आती है बिल वाइज डिटेल, उससे दे सकते हैं। तो दो रिपोर्ट्स आपको बताऊंगा। चलिए फर्स्ट वाली रिपोर्ट बताता हूँ कि हम किस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पीरियड मैंने सिलेक्ट किया है अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक का। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाने के बाद हम लोग जाएंगे करंट असेट्स में। करंट असेट्स में हम लोगों का ये जो सन्ड्री डेटर्स है इसमें जाएंगे। अभी ये जो डेटर्स वाली साइड है ये सब पैसे हम लोगों को पार्टीज से लेने हैं। मैं आपको इसमें एक ही पार्टी का एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको प्रॉपरली समझ जाएगा, क्योंकि इसमें 7-8 पार्टीज़ है। तो हम अमन मिश्रा की पार्टी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका जो हम डेटा लिस्ट देते हैं वो कैसे देंगे, यहाँ पे मैं आपको ऑल्ट पी करके बताता हूँ। हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको फिलहाल पीडीएफ का प्रीव्यू बता देता हूँ कि ये जो डेटा लिस्ट है आपको ऐसे देना है। ये जो डेबिट साइड है ये वाले पैसे हमको पार्टी से लेने हैं, और ये जो है वो हमारे पार्टी से आए हुए पैसे पड़े हुए हैं जिनके हमको बिल्स बनाना बाकी है। तो ये एक्सेस अमाउंट आके पड़ा हुआ है, और ये जो डेबिट साइड में है वो हमको पार्टी से पैसे लेने हैं। अभी ये अमन मिश्रा वाली जो पार्टी है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, तो हम लोगों को एक एग्जांपल से प्रॉपर वे में समझ जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अमन मिश्रा के अंदर, और अमन मिश्रा के लेजर में यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि ऊपर एक बिल बना हुआ है और ये 3 बिल्स बने हुए हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक पार्टी एक एक वाला जो रिसिप्ट का अमाउंट आया हुआ है तो 2950 जो पहला बिल है उसका अमाउंट आ चुका है, और ये नीचे के 2 बिल का अमाउंट नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं आपको बिल वाइज भी करके दिखाता हूँ, FY करके। यहाँ पे देखिए ये वाले बिल का 3500 आना बाकी है, और ये वाले बिल का भी 14750 रुपये आना बाकी है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बाहर से मुझे बिल वाइज नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सीधा 18250 दिख रहा है। तो यहाँ पे बिल वाइज नहीं दिख रहा है, मैं जब FY करता हूँ तब मुझे बिल वाइज दिखता है। तो जो दूसरा तरीका है उसमें हमको बिल वाइज भी दिखेगा और प्रॉपर आउटस्टैंडिंग भी दिखेगा प्रॉपर। बट ये है कि आपको इसमें अगेंस्ट डालना पड़ेगा, जैसे मैंने ये रिसिप्ट की एंट्री में अगेंस्ट बराबर ये 2541 डाल के रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले वाले बिल का नंबर जो है वो 2541 है। तो मैंने जब ये रिसिप्ट की एंट्री की थी तो मैंने यहाँ पे अगेंस्ट में 2541 डाल के रखा है। तो वो नेक्स्ट वाला जो तरीका है उसमें ये यूज़फुल होता है। तो एक तरीका ये हो गया कि आप ऐसे डेटा लिस्ट बना रहे हो जो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में गए, करंट असेट्स में गए, और वहाँ से हमने डेटा लिस्ट निकाला, और यहाँ से सीधा एक्सेल ऑल्ट ई करके, यहाँ से हम कंट्रोल ई करके हमने सीधा सीधा ये एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर दिया। तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, अमन मिश्रा को आप 18000 कितना बाकी है अमन मिश्रा का, हम पर उसके लेजर में जाके देखते हैं। अमन मिश्रा का 18250 रुपये बाकी है यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं दूसरे तरीके में। दूसरे तरीके के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल। इसका शॉर्टकट होता है DSOR। मैं आपको फिर से बाहर से एक बार बता देता हूँ, D फॉर डिस्प्ले, S फॉर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, O फॉर आउटस्टैंडिंग और R फॉर रिसीवेबल, DSOR। अभी इसमें हम अमन मिश्रा को ही देखते हैं जो हमने एक एग्जाम्पल लेने की बात की थी स्टार्टिंग में वीडियो की। ये देखिए यहाँ पे बराबर प्रॉपर दिख रहा है 3500 रुपया और 14750। तो एक ये रिपोर्ट होता है इसमें आपका बराबर बिल वाइज दिखता है, और ये आप बिल वाइज आउटस्टैंडिंग अपने बॉस को या आपको जिसको भी भेजना है यहाँ से आप भेज सकते हो। तो यहाँ से एक प्रॉपर रिपोर्ट बनता है बिल वाइज आउटस्टैंडिंग का। अब इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ऑल टी करके, और यहाँ से आप सेंड कर सकते हो सीधा सीधा। यहाँ से आप सेंड कर दोगे नाम वगैरह दे के, तो यहाँ पे अगर मैं सेंड कर दूंगा तो ये सेंड हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सेंड करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए, दैट्स वाई ये फेल हो रहा है क्योंकि ये ओपन है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार कंट्रोल पी करके मैं आपको बता देता हूँ तो आपको भी समझ जाएगा कि ये इसी तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे प्रीव्यू बता देता हूँ आपको, देखिए ये इसी तरीके से दिखता है जैसा मैंने इसका एक्सेल फॉर्मेट आपके लिए निकाल के रखा है। ये देखिए अमन मिश्रा, अमन मिश्रा, ये मैं आपको एक बार इसका एक्सेल फॉर्मेट बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। ये देखिए इसका टोटल मैं आपको बता देता हूँ, 3500 प्लस 14750, ये देखिए 18250 हो रहा है। तो यहाँ पे हमने ये एक पार्टी का एग्जांपल लिया जो कि बिल वाइज आउटस्टैंडिंग निकल रहा है बिल्स रिसीवेबल्स में से। तो एक तो डेटर्स में से हो गया और एक यहाँ से हो गया।
आपने देख ही लिया है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। एक तरीका फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस शीट में गए, करंट असेट्स में गए, सन्डी डेटर्स में गए, और यहाँ पे देख सकते हो अमन मिश्रा का 18,250 दिख रहा है। ये मैंने आपको एक्सेल में भी कैलकुलेट करके बताया। एक तरीका ये है कि ये जितने भी डेबिट बैलेंस है वो आपको अपने डेटर्स से लेना है, और एक तरीका ये है कि आप सीधा गेटवे ऑफ टेली से DSOR किया और यहाँ से आपके पूरे के पूरे बिल वाइज निकल जाएंगे। खाली इसमें ये है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगेंस्ट रेफरेंस न्यू रेफरेंस का। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पार्टी का आपको एग्जाम्पल बताया जो कि प्रॉपर है, अगर आप सबके डालते हो तो आपके सब प्रॉपर रहेंगे। तो ये दो तरीके हैं डेटा लिस्ट बनाने के, आप अपने सहूलियत के हिसाब से बना सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई रहेगी दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय।